विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। हिजाब मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की दलील, पगड़ी और किरपाण की तरह मुस्लिम लड़कियों को सुरक्षा देता है हिजाब, कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को दी गई है चुनौती। कर्नाटक हिजाब केस में सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई, पक्षकारों की दलीलें हुई पूरी। लखीमपुर खीरी मामले में जारी जांच, गला दबाकर जान लेने के बाद लटकाया गया दलित बहनों का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। लखीमपुर खीरी कांड में तेज हुई सियासत, अब राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, कहा दोषियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से नहीं की जा सकती महिला सुरक्षा की उम्मीद। लखीमपुर खीरी कांड में घिरी योगी सरकार, डिप्टी सीएम बोले विपक्ष ना करे राजनीति, सरकार कर रही अपना काम, दो दलित बहनों के साथ दुष्कर्म के बाद ली गई जान। आज फिर शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 17 सितंबर को अलपुजा पहुंचेगी यात्रा, 23 सितंबर को त्रिशूर पहुंचेगी। शराब घोटाला मामले में घिरी दिल्ली सरकार, बीजेपी ने जारी किया एक और स्टिंग ऑपरेशन, कहा आबकारी नीति को घोटाले के लिए ही किया गया तैयार। बीजेपी के आरोपों पर डिप्टी सीएम का पलटवार, मनीष सिसोदिया ने कहा स्टिंग की जांच करके सीबीआई मुझे कर ले गिरफ्तार। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार, 16 सितंबर को ऑरेंज और 17 सितंबर को रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में रियर सीट बेल्ट पहनना हुआ अनिवार्य, नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जाएगा 1,000 रुपए का जुर्माना। खत्म हुई फिल्म भोला की शूटिंग, साल के आखिरी में रिलीज होगी फिल्म, साउथ की कैथी की हिंदी रीमेक है अजय देवगन की फिल्म भोला। कुछ ही मिनटों में बिक गए भारत पाकिस्तान मैच के टिकट, 23 अक्टूबर को होगा T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, मेलबर्न में होगी पाकिस्तान से भिड़ंत। आज हो सकता है भारत की T20 विश्व कप टीम का ऐलान, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस सबसे बड़ा मुद्दा, बुमराह को अभी भी फिट नहीं किया गया घोषित।